यूपी के गाजीपुर के रहने वाले सिद्धार्थ राय। MBA कर मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे सिद्धार्थ को रेलवे भवन में सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन जिंदगी से सुकून गायब था, इसलिए 2019 में अच्छी खासी सैलरी और शहर को पीछे छोड़ सिद्धार्थ कुछ सुकून भरा करने के लिए वापस गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद सिद्धार्थ ने अपनी बंजर पड़ी जमीन पर तालाब खुदवाया और दो गायें पाल ली। परिवार से लेकर गांव वालों तक सबने पढ़े लिखे लड़के को ये सब करता देख विरोध किया, लेकिन सिद्धार्थ पीछे हटने वालों में से नहीं थे। आज उन्होंने एक ऐसा गांव विकसित कर लिया है जहां लाखों की कमाई के साथ रोजगार भी है। सिद्धार्थ ने अपने बनाए तालाब में मछलियां और बतखें पाली। अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन से अचानक सब कुछ बंद हो गया, पर उन्होंने यहां भी अवसर ढूंढ निकाला। सिद्धार्थ ने लॉकडाउन के समय कोरोना संक्रमण से डरे हुए लोगों तक कांच की बोतलों में दूध की कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी की। इस आइडिया से उनके बिजनेस ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली। डिमांड बढ़ी तो वो दूसरे किसानों से भी दूध लेने लगे। इससे उनकी कमाई तो बढ़ी ही, साथ ही किसानों को भी उस कठिन दौर में दूध बेचने का जरिया मिल गया। अभी सिद्धार्थ के पास 18 गायें हैं और 122 से ज्यादा किसान उनके साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, माँ ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया। उनका मानना है कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं, इसलिए सिद्धार्थ बिजनेस के साथ जन सेवा भी करते हैं। उन्होंने गांव में बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के रहने के लिए प्रभु का मंदिर बनवाया है। वहीं उन्होंने प्रभु की रसोई की शुरुआत की है, जहां गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाता है। साथ ही वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के साथ ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोला है। इसके साथ सिद्धार्थ अपने इस अभियान के जरिए बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। सिद्धार्थ की बनाई दुनिया इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ वेकेशन से लेकर वेडिंग तक के लिए आते हैं। इससे भी सिद्धार्थ की कमाई होती है। उनके फार्म पर रहने से लेकर घुड़सवारी, पशुओं को खिलाना, ऊंट की सवारी सहित कई एक्टिविटीज उपलब्ध हैं। वे कहते हैं कि कोई नौकरी उन्हें इतना खुश नहीं कर पाती जितना वो अब हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है।